सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम गणेश गायकवाड़ को धारा 301 और 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। द हैंग टिल डेथ।
तो कोई गम नहीं था पापा। लेकिन तूने ऐसा काम किया, इसका बोझ हम कैसे लेकर चल सकते हैं? छी पापा। मत बोल पापा, मत बोलो पापा मुझे। अरे तुझे फांसी तो 10 दिन बाद होगी, लेकिन लेकिन तू हमारे लिए उसी दिन मर गया था। नहीं पापा, नहीं। भाई क्या कसूर था मेरा जो तूने मुझे मार दिया? तुझे पता है कितनी मेहनत करने के बाद यह मुकाम मैंने हासिल किया था? कुछ खुशी के पल आए थे, अपने परिवार के साथ बैठने लगा था मैं, लेकिन तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है भाई। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या करता, लाचार था मैं। मेरी मां के इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पापा हर वक्त बीमार रहते हैं। और सुनेगा, 5 साल हो गए हैं मेरे बीवी को बच्चा नहीं हुआ। उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने मुझे 1,00,000 रुपया मांगा। कहां से लेकर आता? अब पैसों का क्या करेंगे, क्या फायदा? क्यों किया आपने ऐसा? जान मत कहो मुझे, तुम एक खूनी हो, तुम एक दरिंदे हो। तुमने सोचा नहीं ये करते हुए कि हमारा क्या होगा? तुम्हें पता, गली के छिछोरे मुझे उनके साथ सोने के लिए बुलाते हैं, मुझे टॉट मारते हैं कि तेरा मर्द तो गया और तेरी भूख हम मिटाएंगे। छी, घिन आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहलाने में। मैं आज से ये सिंदूर अपने माथे से हटा देती हूँ। तू खूनी है, तू हमारे लिए मर गया। तुम खूनी हो, तू मर जा। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू खूनी है, तू मर जा। खूनी हो, खूनी है। तुम दरिंदे हो, तू खूनी। खूनी दरिंदे हो, तू खूनी। तुम खूनी हो, दरिंदे हो, तू खूनी। तू खूनी, तुम मर जा। तुम खूनी हो, तुम खूनी हो। आ गया मेरा शेर, काम हुआ मेरा। वाल्मीकि बनकर रामायण लिख सकता हूं, लेकिन यह सूरत ना कर बन के किसी का खून नहीं कर सकता।